पिताजी को कमरे पे किराए पे हम आ जाए और हम रहे हैं वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग निश्चिंत हो रहे हैं और ये जो पेंशन जो है, पेंशन का यही एक रास्ता बहुत ही मानवीय रचना है। दूसरी सबसे अच्छी रचना आई जो है हमारे चंद्रिका। अब इसके बाद मैं अपनी एक बहुत चर्चित पुरस्कृत जिसका वीडियो मैं लघु कथा सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है अब तस्वीर ही पिता। ये मेरी लिखा लघु कथा है। जिस गांव में कभी सरकारी गाड़ी नहीं आई थी, कभी किसी मंत्री का दौरा नहीं हुआ था, ये वक्त आ चुका है। ऐसा ही समय आ गया है कि अब हमारे बुजुर्ग ये अगर नहीं समझेंगे, सारा चीज लुटा देंगे, ऐसा करेंगे तो उनको वृद्धा आश्रम करावा, फुटपाथ करावा कोई सहारा नहीं। उनकी कलम को मैं सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा विषय लेकर उन्होंने एक मतलब मार्ग दिखलाया है कि आप किसी के आगे झुको मत, देवदान एक ट्रस्ट बना दो, लेकिन जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसको देने से क्या फायदा। और अंत में ये जो ओम प्रकाश पांडे जी की सोच, ये बिल्कुल यथार्थ है, यथार्थ से जुड़ी हुई रचना है। सही में जो उनको आप सबसे बड़ा इनकी खूबी ये भी है कि मैं बहुत कम हमारे जमाने में याद है कि जब हम कवि सम्मेलन देते एक शरद जोशी थे, उसके बगैर कवि सम्मेलन पूरा नहीं होता था। तो आज के हमारे हैं जो बिना चिट्ठी और कागज के लघु कथा पढ़ देते हैं, इनके लिए जो लाभ तालियां होना चाहिए वो मिला है। हम तो कविता भी बिना ही नहीं पढ़ सकते हैं और ये पूरी लघु कथा भी पढ़ सकते हैं। इनकी सोच जो है वो बहुत एकदम बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई रचना है। एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पर कि गृहस्थ सन्यासी जो आपने सब्जेक्ट लिया है, विषय बहुत अच्छा है, पर उसमें कालखंड का दोष आ जाता है। वो कहानी के लिए ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा अगर संशोधन करेंगे उसको क्षण मात्र नहीं। कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, और हमारे यहाँ बैठी हुई है हेमलता मांडवे जी, इनका एक डायलॉग है कि गागर में सागर अब बूंद में महासागर। हाँ, तब वो लघु कथा बनती है। ये लघु कथा की सही है और वो भी बहुत अच्छा लघु कथा लिखते हैं हमारे हेमलता मांडवी जी, और उनकी रचनाएं की लघु कथाएं अच्छा, लघु कथा पे इनका आलेख वगैरह बहुत कुछ निकला है, तो ऐसी बात नहीं है। और मैंने जो कहा मैं फिर कहता हूँ कि हर कोई हमारे सामने, अभी देखिए हमारे विजय भट्टांगर जी हैं, तिवारी जी हैं, सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी लघु कथाएं लिखते हैं। और मैं फिर कहता हूँ कविताएं लिखना थोड़ा कठिन है, पर लघु कथाएं लिखना आसान है। बस अपने अगल बगल नजर दौड़ाओ। अध्यक्ष श्री पवन तिवारी जी को निवेदन करता हूं कि वो दूसरे सत्र का अध्यक्ष बने और मंच पर आए। पवन तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि श्री हेमलता मिश्र माननीय जी को निवेदन करता हूं। श्रीमती मिला सीख लो तुम, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, किसी के काम आना सीख लो तुम। और हाजिर कर रही हूँ कि हिंदी वाला ढूंढ रही हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि चार लाइना। और हमसा दीवाना नहीं पाए गया, हमसा दीवाना नहीं पाए गया, देखिएगा खूब पछताए गया, देखिएगा खूब पछताए गया, और हमको
अंजामे वफा मालूम है, हमको अंजामे वफा मालूम है, एक फिर झूठी कसम खाए गया, एक फिर झूठी कसम खाए गया। कर कर रहे हैं तुझको याद, कर रहे हैं इंतजार, कर रहे हैं तुझको याद कर रहे हैं, तेरे नाम की ही माला दिन रात जप रहे हैं। तुझसे इश्क हो गया है, तुझसे इश्क हो गया है, प्रस्ताव भेजता हूँ तुझसे इश्क हो गया है, प्रस्ताव भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ। अब देखिए, फरियाद मेरी सुन ले, फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, रब की कसम है जानम देना न मुझको धोखा, फरियाद मेरी सुन ले, मंजूर कर ले तोहफा, रब की कसम है जानम देना न मुझको धोखा, दिलदारियों समझ ले आदाब भेजता हूँ, दिलदारियों समझ ले आदाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता हूँ, हर पंखुड़ी में प्यार बेहिसाब भेजता हूँ। अंतिम कर देखिए, कि दर्द देने वाले जर नजरें उठा के देखो, दर्द देने वाले जर नजरें उठा के देखो, दर्द देने वाले जर नजरें उठा के देखो, अनजान मत बनो तुम जर मरहम लगा के देखो, दर्द देने वाले जर नजरें उठा के देखो, अनजान मत बनो तुम जर मरहम लगा के देखो, मेरे दिल का सनम तुझको, मेरे दिल का सनम तुझको ये हिसाब भेजता हूँ, मेरे दिल का सनम तुझको ये हिसाब भेजता हूँ, दिल का टुकड़ा समझ लेना ये गुलाब भेजता, महका पवन गुलाबी दो गुलदानों में, चमेली खिलती बानों में, चंद्रिका चंदन जैसा बदन इसे छू के ही महका पवन, गुलाबी दो गुलदानों में, चमेली खिलती बालों में, मोहिनी रूप के पुष्प बाल से साधक भेद लिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, सुरों में बसते हैं कई राग, सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग, सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग, अधर से बह निकली रसधार, शब्द ने पाया है श्रृंगार, सुरों में बसते हैं कई राग। ये दरअसल 2020 की बात है, कोविड से पहले की बात है, और अलका जी का फ़ोन आया क्योंकि वो साहित्य
में बहुत कुछ करती हैं, तो उनको ये सम्मान एक देना था और उन्हें मेरा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे सम्मान के लिए चुना। तो मैं अग्निशिखा संस्था को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी साहित्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इसी तरह से सम्मान होता रहे, तो उनका बहुत बहुत आभार। अपने बारे में क्या कहा जाए, लोगों को जानने को मिलेगा। आप अपना परिचय दीजिए साहित्य में क्या क्या। मेरा नाम चित्रा देसाई और दो संकलन मेरे आए हैं, सरसों से अमलतास जिसे कि महाराष्ट्र हिंदी राज्य साहित्य अकादमी से जो पुरस्कृत है, और दूसरा संग्रह 2020 में आया दरारों में उगी दूब। सरसों से अमलतास और दरारों में उगी दूब दोनों ही राजकमल प्रकाशन से हैं। तो यही मेरा परिचय है कि मैं कविताएं लिखती हूँ और ये दो कविता संग्रह हैं जिनकी वजह से मुझे सम्मान मिला। कितने वर्षों से आप साहित्य सेवा दे रहे हैं? देखिए, लिख तो मैं रही हूँ 16-17 साल की उम्र से, लेकिन प्रकाशित बहुत देर से हुई क्योंकि प्रकाशन का मैं सोचती नहीं थी। प्रकाशित 2015 में मेरी पहली किताब आई है, लेकिन मैं पढ़ना और लिखना मेरा 16-17 साल की उम्र से शुरू है। जी कब से जुड़ी हैं, कितना समय हुआ? मैं लगभग 5-6 साल से जानती हूँ अलका जी को। जी नहीं, वो हर क्षेत्र में हर किसी का सम्मान करती हैं और बहुत कुछ कार्य कर रही हैं अग्निशिखा मंच। तो मैं तो क्योंकि साहित्य से जुड़ी हूँ तो साहित्य की गतिविधियों से वाकिफ हूँ, तो इसीलिए उनकी साहित्य गतिविधियों का मैं सम्मान करती हूँ और वो साहित्य से जुड़े लोगों का बहुत उनसे वो परिचय मतलब रखती हैं और उनका सम्मान भी करती हैं। इस बात के लिए उनका बहुत मैं मान करती हूँ। जिस तरह से आप साहित्य से जो नए साहित्यकार जुड़े हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश होता है कि लिखने से ज़्यादा आप पढ़ें, बहुत पढ़ें। आजकल लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सब किसी को लगता है कि वो लेखक हैं लेकिन पढ़ बहुत कम रहे हैं। मैंने बहुत पढ़ा है इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। आशापूर्णा देवी से लेकर शुरुआत के जो क्लासिक्स हैं उनको आप शुरू कीजिए, उनसे पढ़िए, और जो हमारे जो मतलब मालती जोशी हैं, सूर्य बालाजी हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं, बहुत सारी उषा प्रेमवदा, बहुत सारी आशापूर्णा देवी, प्रेमचंद, जो क्लासिक्स हैं हम लोगों के, उन सब से पढ़ें, उन सबको पढ़ें। और कविता में तो हज़ारों नाम हैं, कुंवर नारायण से लेकर भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत सारे नाम हैं, किस किस के नाम हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है साहित्य जगत में? जी, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन से हैं, कौन साहित्यकार हैं जिनको आप पढ़ के अपना प्रभावित होती हैं? मुझे कविता में भवानी प्रसाद मिश्र बहुत पसंद है। मुझे केदारनाथ मैं हेमलता मिश्र मांडवी नागपुर की एक वरिष्ठ साहित्यकार हूँ और भारतीय वायुसेना से राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त हुई हूँ। भारतीय वायुसेना की पत्रिका किरण का मैंने 25 वर्ष निरंतर संपादन किया है और जब 1983 में जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने वायुसेना में प्रवेश लिया था नौकरी के जरिए, तो उस समय जो स्थिति थी कि उस समय हम लोगों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी बोलना पड़ता था, लोग हमारी बात को समझ नहीं पाते थे, अंग्रेजी की अनिवार्यता हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारे राजभाषा प्रभाग ने हिंदी की बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई और उसके कारण क्या हुआ कि हिंदी की स्थिति काफ़ी सुधरने लगी। मतलब ऐसा हुआ कि जो लोग हिंदी ना बोलते अंग्रेजी बोला करते थे वे सब हिंदी में बात पैदा बोलने लगे। मेरी हिंदी पत्रिका किरण में प्रति वर्ष कम से कम 40-50 साहित्यकार अपनी रचनाएं दिया करते थे और उनकी रचनाएं देखकर मुझे लगता था कि हम नहीं कह सकते कि रक्षा सेनाओं में हिंदी नहीं है, हिंदी रक्षा सेनाओं में हमेशा रही है और अभी तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है कि रक्षा सेनाओं में भी सिर्फ जो उनकी जो तकनीकी शब्दावली है वो बची है, अन्यथा अब हिंदी रक्षा सेनाओं में बहुत अच्छी बोली जा रही है। और ऐसे जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, ऐसे साहित्यिक आयोजनों में मैं लगभग पिछले 35-40 सालों से आती ही रही हूँ। मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई पुस्तकों का मैंने अनुवाद किया है और महाराष्ट्र राष्ट्रीय सभा में और जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया वक्ता के बतौर और अग्निशिखा मंच में
तो मैं दोनों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि राष्ट्रभाषा विभाग में मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने मुझे यहाँ पर यह सम्मान दिया, मुझे यह अवसर दिया कि मैं हिंदी के प्रति अपना कुछ ऋण उतार सकूँ, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से मैं जब से सेवानिवृत्त हो गई हूँ तो मैं हिंदी की सेवा अलग क्षेत्र में कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन मंच की नागपुर इकाई की मैं अध्यक्ष हूँ और विदर्भ प्रभारी भी हूँ, तो उस तरीके से मैं भी वहाँ अनेक सामाजिक कार्य करती रहती हूँ और अनाथ आश्रमों और अपंग आश्रमों वृद्धाश्रमों को मैं अपनी टीम के साथ जाकर देखती हूँ, जैसा अवसर पड़ता है उस हिसाब से कपड़े लगते अनाज देते हैं। हम लोग कोरोना के दौरान में भी घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते थे तो भी पैसों वगैरह के ज़रिए हमने काफ़ी मदद की और इस तरीके से हमने कोरोना में भी अपना दायित्व निभाया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदी के ज़रिए तो मैं अपने देश की सेवा कर ही रही हूँ, अपने देश की संस्कृति को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम सांस्कृतिक प्रहरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हिंदी का बड़ा चल उसके लिए आपने जिस तरह से बात कही है, जिस तरह से आपने भाषाओं को लेकर जो गणना आपने किया है उसके बारे में बताया। देखिए जो 3 सत्रों में कार्यक्रम रहा हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में, और जिसमें पहला सत्र कहानी पाठ और लोक कथा रहा, दूसरा सत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था व्याख्यान का सत्र रहा जिसकी अध्यक्षता मैंने की, हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भ्रांतियाँ विषय था, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, कैसे हिंदी के बारे में अफवाह बताई जा रही है, दूसरी भाषाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र की भाषा क्यों नहीं है जबकि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत है। तो इन विषयों पर मैंने प्रकाश डाला। उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदी का सबसे लोकप्रिय विधान जो है विधा है वो कविता है, कि लोगों की रुचि कविता पढ़ने में ज़्यादा रहती है, लोगों ने कविताएँ पढ़ी और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये हिंदी दिवस जा रहा है, ये हिंदी दिवस के बजाय राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाए, हिंदी राष्ट्रभाषा बने और ये हिंदी तब बनेगी, हिंदी रोजगार मिलेगा। आप हिंदी पढ़ के चिकित्सक हो जाएं, आप हिंदी पढ़ के अभियंता हो जाएं, आप हिंदी पढ़ के जिलाधिकारी बन जाएं, आप हिंदी पढ़ के वैज्ञानिक बन जाएं। अंग्रेजी जो है वो रोजगार की भाषा है, तो हिंदी को रोजगार की भाषा बनानी होगी। बड़ी सारी लक्ष्यदार बातें करने से कुछ नहीं होगा। 9 राज्य हैं, 68 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है और ऐसी भाषा को नज़रअंदाज करना मुझे लगता है कि बहुत ही एक सोची समझी गंदी राजनीति है, और जब तक लोग आपस में समन्वय करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा बनी है। भाषा मैं चाहूँगा कि इस देश की राष्ट्रभाषा हो और वो हिंदी है। जो संस्था है हिंदी सीखना रूप से आज यहाँ पर जो हिंदी भाषा पर बहुत सारे साहित्य हैं सारे लोग वहाँ पर हाजिर हुए हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बताया किस तरह से आपने इसकी तैयारी की और इतने सारे यहाँ पर महाराष्ट्र उसी थी उनको आप हिंदी मुंबई महाराष्ट्र अकादमी और अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम होता है, उसी संदर्भ में ये रखा गया था कि आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्न करें, जो नहीं हो रहा है कहीं आंदोलन करें, कहीं साहित्यिक प्रोग्राम करें और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि वो सरकार तक के कानों में तक जाए, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दे रही हैं। ये तो सभी पब्लिक को विदित है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित हो, इसके लिए प्रयत्न रहता है और हिंदी दिवस है इसलिए हिंदी का सार्थक कार्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमने प्रथम सत्र हिंदी लघु कथाएँ और कहानियों का वाचन रखा, दूसरा सत्र हमने हिंदी की वैश्विक और उनकी भ्रांतियाँ उस पर ऊपर वक्तव्य रखे गए, और तीसरा जो था जो लोगों को भी बहुत लुभाता है काव्य पाठ वो रखा गया। इस तरह से संयुक्त रूप से एक हमने गुलदस्ता तैयार किया ताकि वो हिंदी के विविध आयामों को एक साथ लेकर एक सुंदर हम कार्यक्रम समाज को दे सकें।
सकें, समाज की दिशा निर्धारित कर सकें, क्योंकि ये एक ज़रूरत बन गई है आज के नव पीढ़ी को कि अंग्रेजी में ही सारे कार्य होते हैं और हम ये चाहते हैं कि आज लोग हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी में कार्य करें, और जब तक हिंदी में व्यवसाय उपलब्ध नहीं होगा तब तक हिंदी की सार्थकता बराबर नहीं होगी। तो हमारा ये प्रश्न है कि हिंदी में रोज़गार उपलब्ध होने लगे, हिंदी में रोज़गार मिलेंगे तब हिंदी का सही मायने में, सही अर्थों में हम हिंदी को सम्मान देंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं सारी भाषाओं का ही सम्मान करती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भाषा, सारी भाषाओं के सम्मान के साथ साथ हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन है, इसलिए हिंदी को ज़रूर राष्ट्रभाषा सरकार तक पहुँचना चाहिए, हिंदी में सारे राज्यों के सारे ऑफिसों के कार्य होना चाहिए, हमारी यही एक धारणा है, इसीलिए हम इस तरह के काम करते हैं। और वैसे भी अग्निशिखा मंच कुछ सालों से साहित्यिक कार्यक्रम में आई है, वैसे तो सामाजिक काम करती आई है, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के पारिवारिक विघटन हो उसमें अग्निशिखा मंच का हमेशा हस्तक्षेप रहता है। मेरा ये मानना है कि तलाक लेना है तो कोर्ट पढ़ाए, और सुलह करना है अपने दोनों पार्टनरों को ठोक बजाकर ठीक करना है तो अलका पांडे के पास आओ, अलका पांडे आपका घर सुरक्षित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हम आदिवासियों के क्षेत्र में काम करते हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाते हैं ताकि उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य हमारा है तो हम ज़्यादा जागरूकता से काम कर सकते हैं। हम सुस्ती नहीं है, हमारा मन ही चंगा नहीं है तो हम क्या काम करेंगे, क्या परिवार को खुशियाँ देंगे, क्या समाज को खुशियाँ देंगे। तो इस तरह से जो समाज को लेकर या समाज के बहुत आयामों को लेकर जो कार्य होते हैं उनमें मेरा पहला योगदान होता है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और वहाँ तक पब्लिक का काम करूँ, ऐसे मेरी धारणा है। आज हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार आए, मेरे बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और आज हमने एक यहाँ पर नई शुरुआत की है और ये शायद मैं हर कार्यक्रम में करूँगी कि महिलाओं को और बुजुर्गों को कुछ रोज़गार दिया जाए, उसके लिए हमारे कोटक से विश्वनाथ सर आए थे जिन्होंने इन्हें कुछ बात बताई कि किस तरह से कोटक उसके थ्रू से कई घर में बैठ कर महिलाएँ किस तरह से सक्षम हो, क्योंकि सारे काम तो हम महिलाएँ कर लेती हैं लेकिन यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो हम घर उसकी अच्छी तरह से नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं हमें दबना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि वो कठिनाइयाँ भी हम दूर करें कोटक के माध्यम से, और बुजुर्ग लोग हैं यदि वो दो पैसा लेके आते तो घर परिवार में उनके बहुत सम्मान होता है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उनको निरर्थक समझा जाता है, वो एक कोने में पड़ी हुई चीज़ समझा जाता है। यदि बुजुर्ग कुछ सम्मान से कुछ पैसा अर्न करेंगे तो उन्हें भी परिवारों में सम्मान दिया जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ये सोचा है कि महिलाओं को और बुजुर्गों को आत्मस्वावलंबी अर्थव्यवस्था से स्वावलंबी बनाया जाए ताकि वो समाज में और अपने परिवार में बहुत अच्छी सम्मान पा सकें, उनका वंदन हो, उनका अभिनंदन हो। कार्यक्रम में यहाँ पर साहित्यकारों ने कहा कि हिंदी तभी राष्ट्रभाषा बन सकती है जब इसका शासकीय शैक्षणिक प्रशासनिक प्रयोग का खूब प्रयोग किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये उन लोगों ने जो कहा, देखो आज हिंदी के प्रति हर साहित्यकार के मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा है कि हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रभाषा बने जो बन नहीं पाती है, और हिंदी को जानने वाले या हिंदी में बात करने वाले को कई अंग्रेजी को जानने वाले हे दृष्टि से भी देखते हैं और उनको ये दृष्टि में देखते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि हिंदी को सम्मान दिया जाए, सम्मान की दृष्टि जाए, और हिंदी एक साहित्यकार को, आज आप देखते होंगे कि हिंदी साहित्यकार अपना परिवार नहीं चला सकता, हिंदी से वो इतना पैसा नहीं कमाता है कि परिवार को पाल सके चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इतना काम मिले, इतना सम्मान मिले उन्हें कि हिंदी जहाँ पर जाए तो अपना सर गर्व से ऊंचा करे, अपना सम्मान पाए, ना कि लोग उसको हे की दृष्टि से देखें। यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो ऐसी कौन सी रचना है जो आपको यहाँ पर प्रभावित की? सभी रचनाकारों की रचनाएं उनके एक बच्चे के समान होती है और उसे बहुत प्यारी होती है, तो मैं किसी एक के रचना का यदि अच्छा बोलूँगी तो बाकी सब निराश हो जाएंगे, और मेरा ये मानना है कि मैं किसी को निराश नहीं करती हूँ, सारे रचनाकारों की रचनाएं उनके एक बालक के रूप में, इसलिए सभी सम्मानीय हैं, सभी रचनाएं बहुत अच्छी थी। सबसे पहले सर आपका परिचय दीजिएगा, आज यहाँ पर जो महाराष्ट्र राज्य का यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बुजुर्ग साहित्यकार थे, उनके साथ महिलाएँ भी थी, तो उनको आपकी जो सहयोग महिला किस तरह से उनको सहयोग देना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं,
इसके बारे में आप सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा झुमका मैडम का, जो कि अग्निशिखा मंच के थ्रू कोटक के साथ कोलेब्रेशन करके एक बुजुर्ग और लोग हाउसवाइफ जो कि अपॉर्चुनिटी देखना लेना चाह रही है, उनके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी दी है, व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्योंकि एक जो होता है बुजुर्ग लोगों को 60 के बाद समझा जाता है वो लोग सही नहीं है काम करने के लिए, लेकिन हमारी कंपनी जो है 60 के बाद वालों को भी अपने पैर पे कैसे खड़ा होना है और कैसे अर्निंग मेंबर फैमिली में बने रहना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है। और हाउसवाइफ लोगों के लिए हम लोग को अलग से एक ब्रांच ही है हाउसवाइफ और सीनियर सिटीजन के लिए डेडिकेटेड वाशी में और थाने में, जो कि लोगों को बहुत करियर अपॉर्चुनिटी देता है। और मैं यहाँ पे एज अ मुख्य प्रबंधक काम करता हूँ और कोटक में मैं लास्ट काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा है कि विश्वनाथ सर ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें कि हिंदी पखवाड़े दिवस के रूप में जो अग्निशिखा मंच ने जो प्रोड्यूस किया था उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी सीनियर सिटीजन और हाउसवाइफ को सीनियर सिटीजन को हाउसवाइफ को उनको वर्कशॉप देने के लिए वर्कशॉप आयोजन करेंगे हमारे आपके प्रतिनिधि वहाँ पे जाएंगे हाँ इसके बारे में अलका मैडम भी बोलेंगी, क्योंकि अलका मैडम हमारी कंपनी में एक सक्सेसफुल पार्टनर के तौर पे काम कर रही है और ये लोगों हाउसवाइफ और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही काम कर रही है ताकि उन लोग के लाइफ में चेंजेस आ सके। तो अलका मैडम आप कुछ बताएं अपना एक्सपीरियंस। मेरी तरफ से 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होती है, तो वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उन्हें नौकरी मिलती है। उसके बाद वो अपने पहचान वाले आसपास अपने ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में बैठकर अपने परिचितों से या अपने घर के बच्चों का अपने परिवार को भी सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह से वो एक अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करते, अपने परिवार का जीवन भी सुरक्षित करते हैं, अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लान हैं कोटक के पास जिससे बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादी, हमारा रिटायरमेंट को हम कैसे सक्सेसफुल और मतलब पीसफुल बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब प्लान हैं उनके तहत हम उनको समझाते हैं और वो लोगों को समझाते हैं, लोगों से उन्हें जब वो प्लान लेते हैं तो उससे उनको काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है, सामने वाला भी सुरक्षित होता है और बताने वाला भी सुरक्षित होता है, तो दोनों को सुरक्षित करने का काम कोटक करती है। अच्छा अलका जी, बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको उन पर काफ़ी प्रेशर आता है, दबाव बनाया जाता है, उनकी बातों को अनसुना अनदेखा अनसुना किया जाता है, तो आप उस मौके पर उस कैसे उनके जो बच्चे उनको राजी करें उनको मतलब इसलिए कि जो बुजुर्ग होता है ना वो रिटायर होता है और उसको एक काम का बहुत लंबा अनुभव होता है, तो वो अपने अनुभव को पब्लिक में शेयर करता है, अपने अड़ोस पड़ोस में शेयर करता है, अपने रिश्तेदारों में शेयर करता है और उसकी बात का वजन होता है। जब नयुवक जाएगा ना वो चीज़ लेके तो लोगों पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक सीनियर सिटीजन जाएगा, एक रिटायरमेंट जाएगा, तो उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है और वो उस चीज़ को समझते बोलते मैंने भी होगा या मैं भी कर रहा हूँ, वो बोलते इस उम्र में ये काम कर रहा है, तो लोग उसको वो देख कर भी लोग उससे प्रभावित होते हैं और काम करते हैं। इसलिए गृहिणी में इतनी गंभीर होती है, खाना बनाया खाया, पति की सेवा की, गालियाँ खाई, ये खाई, सो गई, शाम हो गई, तो हम उनको कह रहे हैं कि आप कुछ करो, जो सोने का टाइम है ना उसको उसे बाहर निकलो और काम करो, जो बाहर जाएंगे काम करेंगे दो पैसे के अन्य आएंगे, तो पति भी बहुत इज्जत करेगा, परिवार वाले भी इज्जत करेंगे, सास भी इज्जत करेगी, देवर भी इज्जत करेगा, अरे भाभी इस उम्र में आप इतना काम कर रही हो, और जब उनको बड़ा चेक आएगा तो घर को दिखाएंगे तो उनको आत्मविश्वास पैदा होता है। तो हम उन महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं जो घर में दबी हुई या दबी हुई महिलाएँ। Thank you.